समाज में लगातार हो रहे बदलावों के बीच कहीं ना कहीं अनैतिक संबंध और पकड़े जाने का डर कई बार व्यक्ति के जीवन को कई ऐसी परिस्थितियों में पहुंचा देता है जहां वह शायद अपनी आम परिस्थितियों के साथ कभी नहीं पहुंचता। ऐसा ही एक मामला 72 वर्ष के पुरुष द्वारा हुआ जिसने अपनी पत्नी की मौत के बाद पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला से बनाए थे अनैतिक संबंध और इसी अनैतिक संबंध के खुलासे के डर से कर बैठा महिला की हत्या, जिस हत्या का सुराग पुलिस को सरसों के पत्तों से मिला। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। झांसी में 72 साल के एक रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर उसका शव हाईवे पर फेंक दिया। हत्या के बाद वह 5 बार शव को देखने भी गया था। रिटायर्ड ऑफिसर की पत्नी की मौत के बाद घर के पास रहने वाली एक महिला से उसके अनैतिक संबंध बन गए। एक बार महिला ने नशे में संबंधों का खुलासा करने की धमकी दी थी तो बदनामी के डर से उसने महिला को मार दिया। बेहद चालाकी से की गई इस हत्या का सुराग सरसों के पत्तों से मिला। दरअसल झांसी के सीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी भगवत प्रसाद और उसके नौकर परशुराम से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वारदात 19 दिसंबर को हुई थी। दिन में ही उसने खेत के पास बने मकान में हत्या की लेकिन शव को ठिकाने नहीं लगा पाया। हत्या के बाद भी वह बिल्कुल भी नहीं घबराया और अंधेरा होने का इंतजार किया। इस बीच उसने अपने नौकर को शव ठिकाने लगाने के लिए राजी कर लिया। शव को ठिकाने लगाने भगवत और उसका नौकर देर रात कार से शव को कानपुर हाईवे पर ले गए और उसे सर्विस रोड पर फेंक दिया, जिसके बाद भगवत 2 दिन में 5 बार शव को देखने के लिए मौके पर भी गया। जब 21 दिसंबर को पुलिस ने शव बरामद किया तो उसे भी इसकी जानकारी मिल गई। हालांकि उसकी चालाकी कोई काम नहीं आई और आखिर 23 दिसंबर को पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। दरअसल पुलिस को जब महिला का शव मिला था तो शव के पास खेतों में लगने वाला तार और सरसों के पत्ते मिले थे। जब पुलिस भगवत के घर पूछताछ के लिए पहुंची तो वहां भी उसी तरह का तार बरामद हुआ। हालांकि दोनों कत्ल से इनकार करते रहे। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो दोनों देर रात कार से जाते नजर आए। कार की सीट पर खून के निशान और सरसों के पत्ते मिले। इससे पुलिस का शक यकीन में बदल गया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने गुनाह को कबूल कर लिया। जाहिर है कि ऐसे घिनौने दुष्कर्म समाज में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही नहीं, हमारे अब के समाज और हमारे आने वाले समाज दोनों पर ही इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे गुनहगारों पर न्यायपालिका को कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को देनी चाहिए ताकि ऐसे सभी लोगों के लिए यह उदाहरण बने जो समाज में ऐसे दुष्कर्म करने की मानसिकता को जाने अनजाने ही पालते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।